हेलो स्टूडेंट्स, जो बीएससी थर्ड ईयर में हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी कि जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होते हैं, वो बनते कैसे हैं। हमने उसमें देखा था कि उसमें अंतःअणुक नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो रही थी ग्लूकोज में, और उससे उसकी दो फॉर्म बनती है, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। अल्फा फॉर्म में क्या था, OH दाईं ओर था, और बीटा में OH बाईं ओर था। अब हम बात करेंगे इनको ग्लूकोपाइरेनोज और मतलब हमने बात करी थी ये छह सदस्यीय बल है, ठीक है। अब अगर मान लो ये, अब अगर मान लो इसमें हम बात करें इसकी, ये तो हमने बनाई है इसकी सिक्स मेंबर संरचना, इसकी सिक्स मेंबर संरचना है ये, देखो ये है डी ग्लूकोज, ठीक है, डी ग्लूकोज। अब इससे हमने बनाई है इसकी सिक्स मेंबर संरचना और बनाएंगे फाइव मेंबर संरचना। ये है सिक्स मेंबर संरचना, सिक्स मेंबर, और ये है फाइव मेंबर। पिछली क्लास में मैंने तुमसे बात करी थी ना डी ग्लूकोज की, दो तरह की हम सदस्य ही, दो मतलब टू टाइप मेंबर ऑफ संरचना बना सकते हैं, सिक्स मेंबर संरचना और फाइव मेंबर। जो सिक्स मेंबर संरचना है उसको हमने पाइरेनोज से डिनोट किया है। इसका नाम आया कहां से है, यह है पाइरेनोज, क्या बोलते हैं इसको, पाइरेनोज, ठीक है। इसी कारण सिक्स मेंबर ग्लूकोज की संरचनाओं को ग्लूकोपाइरेनोज कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ग्लूकोपाइरेनोज। और सिक्स मेंबर संरचनाओं को, सॉरी फाइव मेंबर संरचनाओं को किसके एनालॉग, किसके समतल, किसके समलोग माना गया है, किसके एनालॉग माना गया है, फ्यूरेन के, किसके एनालॉग माना गया है, फ्यूरेन के। इसीलिए इन संरचनाओं को ग्लूको फ्यूरेनोज कहा जाता है, सिक्स मेंबर संरचनाओं को ग्लूको फ्यूरेनोज कहा जाता है, और सॉरी फाइव मेंबर संरचनाओं को ग्लूकोफ्यूरेनोज कहा जाता है, जबकि सिक्स मेंबर संरचनाओं को ग्लूकोपाइरेनोज कहा जाता है। और हम जानते हैं बेयर के सिद्धांत के अनुसार फाइव या सिक्स मेंबर संरचना ही ज्यादा स्थायी होती है, क्योंकि सिक्स मेंबर संरचना में सबसे कम स्ट्रेन तनाव होता है, इसलिए सबसे अधिक स्थायी संरचना होने के कारण ये हम इसको पढ़ते हैं। और इसको कहां से समलोग माना गया है, इसको माना गया है पाइरेनोज से, तो इसलिए इसका नाम है ग्लूकोपाइरेनोज और इसका नाम है ग्लूकोफ्यूरेनोज, ठीक है, तुम इनको उतार सकते हो। अगर हम बात करें आगे, इसके प्रायोगिक प्रमाण की, तो हम इसमें दो तरह की विधि पढ़ेंगे। प्रायोगिक प्रमाण का मतलब है कि इसमें एक चक्रीय संरचना ग्लूकोज में पाई जाती है, इसके लिए क्या प्रायोगिक प्रमाण है। एक तो है मैथिलीकरण विधि और दूसरी है पराआयोडिक अम्ल से विदलन,
या ऑक्सीडेशन। सबसे पहले तो अपन क्या कह रहे हैं, मोनोसैकेराइड्स की दो फॉर्म होती है, कौन कौन सी, ग्लूको पाइरेनोस और ग्लूको फ्यूरिनोस, मतलब ये दोनों ही संरचनाओं में पाई जाती हैं। नेक्स्ट चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर और ओपन चेन खुली श्रृंखला स्ट्रक्चर एक दूसरे से साम्यावस्था में रहती है, एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहती है। नेक्स्ट है ये जो डी ग्लूकोज होता है वो डी ग्लूकोज साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों की अभिक्रियाएं देता है, दोनों की रिएक्शंस देता है, जो हमने पढ़ा है उसके बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, अब डी ग्लूकोज ग्लूको फ्यूरिनोज ग्लूको पायरिनोज फॉर्म में पाया जाता है, फॉर्म में पाए जाने के प्रमाण। कि ये ग्लूको पायरिनोज संरचना या फ्यूरिनोज संरचना में पाया जाता है या नहीं, तो सबसे पहली विधि है मैथिलीकरण विधि। मैथिलीकरण विधि मिथाइलेशन प्रोसेस, मिथाइलेशन प्रोसेस जिसमें हम सबसे पहले ग्लूकोज की अभिक्रिया किससे कराएंगे, अल्फा डी ग्लूकोज की अभिक्रिया CH3IO सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं। अल्फा डी ग्लूकोज तुम बना लेना, अल्फा डी ग्लूकोज की अभिक्रिया CH3I और सिल्वर ऑक्साइड से कराते हैं। सिल्वर ऑक्साइड से कराने पर ये पेंटा मिथॉक्सी अल्फा डी ग्लूकोसाइड बनाता है, क्या बनाता है, पेंटा मेथिल व्युत्पन्न बनाता है, इसका नाम है अभी पहले क्या बनाता है, पहले ये देखते हैं, पेंटा मेथिल डेरिवेटिव बनाता है, पेंटा मेथिल डेरिवेटिव बनाता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल 2,3,4,6 टेट्रा ऑर्थो मेथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, जिसका आगे तनु HCl के साथ अपघटन कराने पर, डाइल्यूट HCl के साथ जल अपघटन कराने पर ये जो कार्बन है इसका OCH3 समूह जल अपघटित हो जाता है तुरंत, बाकी के जल अपघटित आसानी से नहीं हो पाते, जिनसे पता चलता है कि इसमें 6 मेंबर साइक्लिक संरचना होती है। क्या बोला है, जिसमें C1 पर उपस्थित OCH3 क्या हो जाता है, बहुत जल्दी से जल अपघटित होकर क्या बनाता है, OH बनाता है, और बाकी के जल अपघटित नहीं होते हैं सामान्य परिस्थितियों में, उनके लिए प्रबल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है,
ठीक है, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं अगर चक्रीय संरचना के रूप में नहीं लिख रहे तो, CHO OCH3। आगे बात समझ में, देखो हम क्या बोल रहे हैं, मैथिलीकरण विधि पढ़ रहे हैं, मेथिलेशन प्रोसेस। उसमें सबसे पहले क्यों पढ़ रहे हैं, ये प्रमाण है कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है या नहीं होती है। तो देखो अल्फा डी ग्लूकोज की अभिक्रिया जब CH3 आई मेथिल आयोडाइड और सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाती है, तो ये सारे जो हाइड्रोजन है वो हटकर क्या जाता है, मिथॉक्सी समूह आ जाता है। मिथॉक्सी समूह OH हट गया और क्या आ गया है, मिथॉक्सी समूह या CH3 आ जाता है, सॉरी, और मिथॉक्सी समूह बन जाता है। इसमें CH3 आकर क्या बनाता है, मिथॉक्सी समूह। लेकिन जब आगे इनका तनु HCl के साथ, डायल्यूट HCl के साथ जल अपघटन कराया जाता है, तो ये मिथॉक्सी समूह केवल और केवल C1 वाला मिथॉक्सी समूह जल अपघटित होता है, बाकी के मिथॉक्सी समूह जल अपघटित नहीं होते हैं। तो इसका ये प्रमाण है कि इसमें केवल और केवल फर्स्ट और पांच, मतलब पहला और पांचवा कार्बन ही रिंग्स बनाने में भाग लेता है और इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है। पहली है मैथिलीकरण विधि, दूसरी है पैरायोडिक विधि, दूसरी है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पक्ष में प्रमाण की दूसरी विधि है पर आयोडिक अम्ल विदलन विधि, पर आयोडिक अम्ल विदलन विधि, वही सेम जो हमने ग्लूकोज का विदलन कराया था, पर आयोडिक अम्ल विदलन विधि है ये। तो देखो हम जानते हैं पर आयोडिक अम्ल से स्टेप बाय स्टेप ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड और क्या बनता है, हम इसमें लेंगे मेथिल अल्फा डी ग्लूको पायरेनोज, तुम इसमें सिंपल भी ले सकते हो, लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज मेथिल अल्फा डी ग्लूकोज पायरेनोज लेने से आगे अभिक्रिया आसानी से होती है। इसीलिए क्या लिया है हमने इसमें, मेथिल डी ग्लूकोसाइड, क्या लिया है इसका नाम है ग्लूकोसाइड बॉन्ड को बोलते हैं मेथिल डी ग्लूकोसाइड, मेथिल डी ग्लूकोसाइड। इसका अब स्टेप बाय स्टेप विदलन कराना है किससे, HIO4 से, ठीक है, HIO4 क्या करेगा, ये है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, एक H लगा लेना यहाँ। अब देखो क्या होगा, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, वही सेम ये C2 और C3 वाला, क्या बनेगा OCH3CHO। इस बॉन्ड को तुम मत तोड़ देना, देखो जो बंद विघटन होगा कार्बन कार्बन का होगा ये, पर जो ये ग्लाइकोसाइड बॉन्ड है इसको नहीं तोड़ना है, ठीक है। ये बन गया CHO में और ये भी बन गया CHO में, ये COH C और ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है एजिटी और ये CH2OH, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में एक और मोल HIO4 लेंगे, क्या लेंगे, एक और मोल HIO4। ये क्या करेगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव करेगा, ये वाले बॉन्ड क्लीव होने से OCH3HCHO प्लस HCOOH प्लस CHO CH CH2OH ये बनता है, एक मोल फॉर्मिक अम्ल का अलग हो जाता है। आगे अब इसका क्या करा देंगे, जल अपघटन,
ठीक है, देखो नंबरिंग अपन डाल सकते हैं, वो ये सेम 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, ये 3 वाला कार्बन है, ये 4, 5 और 6, ठीक है। आगे इसका क्या कराना है, जल अपघटन, आगे इसका जल अपघटन कराने पर ये बॉन्ड टूट जाता है, ये बॉन्ड टूटने पर CHO CH OH CH2OH बनता है, प्लस CHO CHO ग्लिसरेडिहाइड बनता है, प्लस CH3OH मेथनॉल बनता है। कैसे बनता है देखो, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे एक H यहाँ आएगा और एक H और OH यहाँ पर, ठीक है। अब ये H इससे जुड़ के बन गया, देखो ये चौथा नंबर का कार्बन है, ये पांचवा है, ये छठवा है। अब अगर बात करें ये पहला है ये दूसरा है, अब पहले पे ये बॉन्ड क्लीव हो जाता है, जल अपघटन हो रहा है भाई, तो ये क्या होता है, यहाँ से ये H इस पे जुड़ जाता है और ऑक्सीजन इसी पे रह जाता है, क्या बन जाता है, मेथेनॉल ग्लिसरेडिहाइड, तो ये क्या प्रमाण है कि इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, इस प्रकार के उत्पादों का मिलना। देखो हमें लास्ट में उत्पादों से पता चलता है, हमें इस प्रकार के उत्पाद प्राप्त हुए हैं, तो इस प्रकार के उत्पादों का मिलना क्या बताता है कि इसमें कोई ना कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो सिक्स मेंबर है। अगर हमने जो पिछली क्लासेस में पढ़ी थी HIO4 से विघटन, उसमें अलग प्रकार के हमें उत्पाद मिले थे, इनमें अलग प्रकार के उत्पाद है, तुम देख लेना। तो इसका मतलब ये क्या बताता है कि इनमें सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि क्या होती है, ग्लूकोपाइरेनोज। ये इसके दो विधियां थी। अब हम नेक्स्ट क्लास में हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट तुम ले लेना। पहली थी मैथिलीकरण विधि और दूसरी थी पराइडिक अम्ल विघटन विधि, ठीक है। पराइडिक अम्ल हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, हमने इसमें OCH3 मैथिल डी ग्लूकोसाइड लिया है। ग्लूकोसाइड क्या होता है, इस बंध को बोलते हैं ग्लूकोसाइड बॉन्ड। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र, वो भी सेम स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, हावर्ट प्रक्षेपण सूत्र, उसकी चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चेयर फॉर्म स्टेबल होती है, हम चेयर फॉर्म के बारे में ही पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।